हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं वापस आई हूँ हेयर केयर रूटीन के सीरीज़ में एक और वीडियो लेके, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक वंडर ऑयल के बारे में, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आपने उसको, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बायोटिक हेयर मास्क के बारे में बताया था, अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक कलेक्टिवली यूज़ करते हो फॉर अ मंथ और टू, आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दैट हेयर फॉल विल गेट रिड्यूस ट्रेमेंडसली एंड ऑल्सो आपका हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा काफ़ी। जो मैं ऑयल की आज बात करने वाली हूँ, वो ऑयल बेसिकली फाइव और सिक्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, लेकिन जिसको आप काफ़ी दिन तक रख सकते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और ये ऑयल बेसिकली क्या करता है कि आपके हेयर को स्ट्रेंथ देता है, आपके हेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक डैंड्रफ एंड फंगल इन्फेक्शंस, वो सारे आपके इस हेयर ऑयल से रिमूव हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम फटाफट से चलते हैं अपने बनाने अपने उस वंडर ऑयल को और कंटिन्यू देखें। और यस, इससे पहले कि आप हम ये ऑयल को कैसे बनाते हैं स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं सो हाय, एंड डेफिनेटली आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोज़ को मिस ना करो। इस वंडर ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। यहाँ पर मैं पतंजलि का नारियल का तेल यूज़ करने वाली हूँ। दिस इज़ एंड एज वी ऑल नो दैट कि कोकोनट ऑयल में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे हेयर्स के लिए अच्छा होता है। ये हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, ये एक स्किन को, हेयर को एक लश्चर प्रोवाइड करता है, स्मूथ करता है हेयर्स को। सो कोकोनट ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स जो मैं इस वंडर ऑयल में यूज़ करने वाली हूँ, वो है ओनियन का जूस, अनियन जूस। अनियन जूस मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज अनियन हैज़ हाई अमाउंट ऑफ सल्फ़र, एंड सल्फ़र की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है और हमारे हेयर्स को स्ट्रेंथ देता है, ताकि हमारे हेयर्स मजबूत हो, टूटे कम। तीसरी चीज़ जो सल्फ़र हमें प्रोवाइड करता है, इसकी एंटी जो अनियन जूस है, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें डैंड्रफ और तरीके के फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ, वो है एलोवेरा का जूस। यहाँ पर मैं एलोवेरा की लीव्स ले रही हूँ, एंड आई विल प्रेफर कि आप एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा ही यूज़ करें, क्योंकि हमें ये ऑयल बनाना है एंड वी हैव टू कीप इट। सो आप, इट विल बी गुड कि आप नेचुरल एलोवेरा की लीव्स से ही जूस निकालें, क्योंकि जो नॉर्मल एलोवेरा जेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दे हैव सम प्रिजर्वेटिव। सो हमारे पास अगर ऑप्शन है कि वी कैन यूज़ द नेचुरल वन, सो वी हैव टू गो फॉर दिस। सो आप इस टाइप की एक मीडियम 4 लीव्स लीजिए एलोवेरा के लिए। एंड या, आई मस्ट टेल यू द क्वांटिटीज़, यहाँ पर मैंने 400 ml लिया है कोकोनट ऑयल, देन आई हैव टेकन द हाफ अमाउंट ऑफ अनियन जूस, दैट इज़ 200 ml, एंड मैंने 4 ऐसी बड़ी लीव्स को लेके इसका जूस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है एलोवेरा का। सो द फोर्थ थिंग दैट आई एम यूजिंग, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द करी लीव्स। करी लीव्स को हम हिंदी में मीठी नीम, कड़ी पत्ता काफ़ी नाम से जानते हैं। सो करी लीव्स बेसिकली एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है, जो कि हमारे हेयर्स को बहुत स्ट्रेंथ देता है, हमारे हेयर्स को काफ़ी हेयर फॉल से बचाता है, हेयर ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करता है, हेयर फॉलिकल्स की को इम्प्रूव करता है वहाँ, ताकि हमारे हेयर ग्रोथ अच्छी हो। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग दीज 4 इंग्रेडिएंट्स। जो नेक्स्ट 2 इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करने वाली हूँ, दे आर ऑप्शनल, इफ़ यू हैव दैट यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू डोंट हैव इट नो प्रॉब्लम विद दैट। आप इन 4 इंग्रेडिएंट्स को भी मिला के ऑयल प्रिपेयर कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट। So the fifth thing that I'm telling you about is vitamin E capsules. Actually vitamin E capsules बहुत ही अच्छी होती हैं, अगर आप इनको अपने as a part of skin care routine और hair care routine किसी भी तरीके से use करें। So you can use 5-6 vitamin E capsules with this oil.
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस दिस इज द कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा एक ऑयल होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है. सो मैंने यहाँ पर जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं बेसिकली वो हमारी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल रेट को, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, प्लस हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं. सो यू कैन यूज़ इट, आप इसे कुछ, अगर मैं 400 ml ले रही हूँ तो आप यू कैन यूज़ इट 50 ml. एंड या अब आपको क्या करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करना है. एंड आफ्टर मिक्सिंग दिस आपको इसे मीडियम फ्लेम पे कुछ 10-15 minutes के लिए बॉईल करना है. उसके बाद इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए प्रॉपरली. जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको प्रॉपरली छान लो, और जो एट द एंड जो ऑयल, जिस कलर जो ऑयल प्रिपेयर होके सामने आएगा वो कुछ इस कलर का होगा. इफ़ यू कैन सी, ये जो कोकोनट ऑयल है उससे थोड़ा सा डार्कर होगा इन कलर, और इसकी स्मेल में आप प्रॉपरली फील कर पाओगे अनियन को और करी लीव्स की ऑर्डर को. सो तो ये रहा हमारा ऑयल. अब मैं अगर बताऊँ इसे अप्लाई करने के लिए, तो ये ऑयल आप अप्लाई कर सकते, आप यू कैन परचेज दिस काइंड ऑफ जार जिसमें यहाँ पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हेयर के रूट्स पे लगा सकते हो. दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम क्लफ फैक्ट्री, आई विल गिव यू द लिंक. सो एक बहुत ही अच्छा तरीका है डायरेक्टली हमारे रूट्स तक ऑयल को पहुंचाने के लिए. इफ़ यू डोंट हैव इट, नो प्रॉब्लम विद दैट. आप क्या करो कि बेसिकली इस तेल को बनाने के बाद जब भी आप इसको अप्लाई करने वाले हो अपने हेयर्स पे, तो हल्का सा गर्म कर लेना ऑयल को फॉर 5-10 seconds. क्या होगा, गर्म करने से तेल को उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है. वो रूट्स पे गर्म ऑयल से मसाज करने से काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है. सो ये रहा मेरा आज का वीडियो फॉर दिस वंडर ऑयल. डेफिनेटली गो फॉर इट दोस्तों. अगर आपको ये मेरा ऑयल का वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इट विल गिव मी अ मोटिवेशन कि मैं और ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ. एंड डेफिनेटली बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.